किरुलाल का सूर्य अस्त हो चुका है राजनीति में, और ऐसे लोग खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों की मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। ठीक है, रमेश मीणा जिंदाबाद, रमेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सचिन पायलट हों चाहे अशोक गहलोत हो, हम सब लोग एक हैं। इस बारे में नो कमेंट्स। ठीक है, किरुलाल का सूर्य अस्त हो चुका है राजनीति में, और ऐसे लोग खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों की मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। ठीक है, रमेश मीणा जिंदाबाद, रमेश मीणा जिंदाबाद। हमारे सचिन पायलट हों चाहे अशोक गहलोत हो, हम सब लोग एक हैं। और कांग्रेस सरकार राजस्थान में एक अच्छा काम कर रही है, आज किसान मूवमेंट कर रही है, चाहे सरकार की योजना हो धरातल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी हम सब मिलकर इस प्रदेश में चाहे किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हम ये चाहते हैं कि आम आदमी को जन समस्याओं का समाधान हो, मूलभूत सुविधाएँ उन्हें मिले। आज कोरोना पीरियड में जो हमारी सरकार ने जो काम किया है वो बेमिसाल किया है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है, और आगे भविष्य में भी हमारी सरकार गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए अच्छा काम करेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा अपन, ये मुख्यमंत्री का मैटर है भाई, उनके लेवल का है, होगा नहीं होगा, हमें तो काम करना है, जनता की सेवा करना है। और मंत्री पद की मुझे कोई चाहत नहीं है, मैं चाहता हूँ जो मुझे कर्तव्य मिला है, विधायक बनाया है लोगों ने, तो यहाँ के लोगों के, राजस्थान के लोगों की सेवा करूँ और ईमानदारी से करूँ। सचिन पायलट ने कल ये कहा था कि मुझे पतंग काटने नहीं आती, ये आप उनसे चर्चा करें।